there is significant opportunity to increase the level of investment. We believe in the economic development side, there is a lot of untapped potential. We will do what we can. We will continue to work together. Extensive investment opportunities have successfully highlighted. We have mines and minerals worth of over $10 trillion against Pakistan's total debt of $130 billion. वाक सऊदी बहमी शराकत दारी का नया दौर शुरू, ब्रादर मुल्क को 10 साल सरमाकारी मंसूबों की पेशकश, PIA, जरात, IT, कानकनी और ह्यूमन रिसोर्स शामिल। इस्लामाबाद में 2 5-स्टार होटल्स हैं, जॉइंट वेंचर, मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन और फर्स्ट वीमेन बैंक में इन्वेस्टमेंट की दावत, तालुकात नई बुलंदियों पर ले जाने का आजम। सऊदी वजीर खारजा ने दौरा इंतहाई कामयाब करा दिया। SIFC के तरीकेकार की तारीफ, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान में सरमाकारी वसी पैमाने पर होगी। इसहाक डार बोले SIFC प्लेटफॉर्म से साजगार माहौल और तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। फैसल बिन फरहान और वफ्द के दोरोजा दौरे का एलामिया जारी। $250 million पाकिस्तानीज आर वेरी हैप्पी टू सी आवर ब्रदर्स बिजी इंटरेक्टिंग विद Pakistani counterparts. Today's discussion has taken place and there have been very satisfactory progress between the two teams. सऊदी वफ्द का दौरा तरक्की की नई राहें मुतय्यन करेगा। इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फरोग में बहुत मदद मिलेगी। बातचीत शराकत दारी के नए दौर का आगाज साबित होगी। SIFC के तहत सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुअज्जिज़ मेहमानों के एजाज में इशाइये से खिताब। सऊदी वजीर खारजा की क्यादत में मेहमान वफ्द की आर्मी चीफ से मुलाकात, बहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में तावुन पर बातचीत। मौजूद मेहमान का दो तरफा तालुकात की मजीद मजबूती के लिए नई राहें तलाश करने पर जोर। ISPR के मुताबिक जनरल सैयद आसिम मुनीर का वक्त के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वक्त की सदर मुमलिकत और वजीर आजम से भी अलग अलग मुलाकातें, मौशी इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार की यकीन दहानी। वाशिंगटन में वजीर खजाना की सऊदी हमनसब से मुलाकात, मोहम्मद औरंगजेब और मोहम्मद अलजदान का बाहमी तावुन के मजीद फरोग का अयादा। सऊदी वजीर खजाना का पाकिस्तान की मौशी तरक्की में भरपूर साथ देने का आज़्म। IMF की पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी की खुशखबरी, नई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। अगले वाली साल मौशी शरह नमो 3.5% तक पहुँचने का इम्कान। आर्मी चीफ के सिरे सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मुसल्ला फाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर इजहार तशवीश। फोरम ने करार दिया कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। शुरका का फाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शहदा को खिराज अकीदत। बिशा में चीनी बाशिंदों पर हमले और बलोचिस्तान में बेगुनाह शहरियों के कत्ल की मजम्मत। मुसल्ला अफवाज को पूरी कौम की हिमायत हासिल है, दहशतगर्दी के खतरे को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। अम दुश्मनों को किसी भी जगह फाल न होने दिया जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम और गजा में इसराइली सफाकियत की मजम्मत। मिल्लत एक्सप्रेस में पुलिस एहलकार का खातून पर तशद्दुद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरियम की मौत हादसाती करार। जिसम पर तशद्दुद के 5 निशानात की भी तस्दीक, कांस्टेबल और 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कत्ल, लूटपार और इस्मत दरी की दफात शामिल। कराची में गटाप सुपर हाईवे के करीब 8वीं जमात की तालिबा की लाश बरामद, पुलिस ने 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। घर वाले फोन पर बात करने से मना करते थे, मकतूला ने खुदकुशी की। गिरफ्तार साथी तालिब इल्म और दीगर मुलजिमों का इब्तदाई बयान, तहकीकात जारी। कराची में डाकुओं का नाका, नाजिमाबाद में कई शहरी कीमती अशिया और मोबाइल फोन से महरूम, CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस की न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई, 4 मुलजिम गिरफ्तार, दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी करने का एतराफ।
बेअमनी निगरान दौर में बढ़ी, अब वाकयात कम हो रहे हैं, कच्चे के हालात पर भी जल्द काबू पा लेंगे। 13 मुगवियों को बाजियाब करा लिया गया, पुलिस के साथ मुकाबलों में 11 डाकू मारे गए। वजीर इत्तिलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 भी खरीदनी है। रोटी 16 रुपए की मिल रही है या नहीं? नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ तंदूर पर पहुंच के नान भाइयों से कीमत मालूम की, आवाम से भी राय ली। लीगी कायद बोले, रोटी के निरखों का खुद जायजा लेता रहूंगा। वजीर आला पंजाब ने कहा, कोई ज्यादा पैसे मांगे तो शहरी शिकायत करें, कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब का मरी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। रोटी 16 और नान 20 रुपए का नहीं बेच सकते, लाहौर में नान भाई डट गए, 4 से 5 रोज इंतजार करेंगे, जबरदस्ती न रुकी तो शटर डाउन हड़ताल होगी, एसोसिएशन का ऐलान। फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे का कोई हाथ नहीं, इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी, रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल। मतन के मुताबिक उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने कमजोरी दिखाई, TLP का मार्च लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी गई। मुआहदे की इजाजत साबिक आर्मी चीफ और DGISI ने दी, फैज हमीद ने सिर्फ हिदायत पर अमल किया, कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज। पंजाब पुलिस धरने को फैजाबाद छोड़कर गई, हमने किसी जानी नुकसान के बगैर मसला हल किया, मामले की हकीकत मालूम की जाए, शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। धरना कमीशन रिपोर्ट की कोई वक्त नहीं, दो मरकजी किरदार तो पेश ही नहीं हुए, रिपोर्ट मुरतब करने वाले अपने गिरबानों में छाके, खाजा आसिफ का रद्द अमल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, मौजूदा कोशिशें नाकाफी, लोग भूखे मर रहे हैं, सूरत हाल आलमी निजाम की नाकामी है। सऊदी वजीर खारजा का इमदाद की फराहमी पर भी जोर, इसहाक डार का फलस्तीनियों की नसल कुशी की तहकीकात का मुतालबा, कहा बहुत हो गया, अब आलमी जमीन जाग जाना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार, तेहरान ने इसराइल को फेस सेविंग देने की अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, किसी भी हमले पर फौरी जवाब की वार्निंग भी दे दी। क्रेडल मैगजीन का दावा, अमेरिका ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार, ईरान आज मुतवक्के, ईरानी सदर का रूसी हमनसब से राबता, प्यूटन का कशीदगी कम करने का मशवरा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा, ग्वादर समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान, PDMA का अलर्ट जारी, कराची में भी 18 अप्रैल को बादल बरसने की पेशगोई, 3 रोज गुजर गए, पेशावर के कई इलाकों में बारिश का पानी मौजूद, कई घरों को नुकसान, दीवारों में दराड़ें, दरियाए काबुल में भी पानी की सतह बुलंद, नौशहरा का इलाका अमानगढ़ डूब गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों के सारे रिकॉर्ड टूट गए, दुबई शहर में पानी ही पानी, एयरपोर्ट पर भी झील का मंजर, दर्जनों परवाजें मंसूख, शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन तालाब बन गए, सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर बंद, ओमान में सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात, अफगानिस्तान में हलाकतों की तादाद 35 हो गई, कजाकिस्तान में 1 लाख से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। T20 सीरीज की तैयारी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों का ऑफिशियल फोटोशूट, पहला मैच 18 अप्रैल को शेड्यूल। 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 भी खरीदनी है। रोटी 16 रुपए की मिल रही है या नहीं? नवाज शरीफ मरियम नवाज के साथ तंदूर पर पहुंच के नान भाइयों से कीमत मालूम की, आवाम से भी राय ली। लीगी कायद बोले, रोटी के निरखों का खुद जायजा लेता रहूंगा। वजीर आला पंजाब ने कहा, कोई ज्यादा पैसे मांगे तो शहरी शिकायत करें, कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब का मरी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। रोटी 16 और नान 20 रुपए का नहीं बेच सकते, लाहौर में नान भाई डट गए, 4 से 5 रोज इंतजार करेंगे, जबरदस्ती न रुकी तो शटर डाउन हड़ताल होगी, एसोसिएशन का ऐलान। फैजाबाद धरने के पीछे किसी इदारे का कोई हाथ नहीं, इंक्वायरी कमीशन ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी, रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल।
मतन के मुताबिक उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने कमजोरी दिखाई। टीएलपी का मार्च लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी गई। मुआहदे की इजाजत साबिक आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई ने दी। फैज हमीद ने सिर्फ हिदायत पर अमल किया। कमीशन की नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की तजवीज। पंजाब पुलिस धरने को फैजाबाद छोड़कर गई। हमने किसी जानी नुकसान के बगैर मसला हल किया। मामले की हकीकत मालूम की जाए। शाहिद खाका नबासी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। धरना कमीशन रिपोर्ट की कोई वक्त नहीं। दो मरकजी किरदार तो पेश ही नहीं हुए। रिपोर्ट मुरतब करने वाले अपने गिरेबानों में छाके। ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। मौजूदा कोशिशें नाकाफी। लोग भूखे मर रहे हैं। सूरतहाल आलमी निजाम की नाकामी है। सऊदी वजीर खारजा का इमदाद की फराहमी पर भी जोर। इसहाक डार का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी की तहकीकात का मुतालबा। कहा बहुत हो गया, अब आलमी जमीन जाग जाना चाहिए। ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार। तेहरान ने इसराइल को फेस सेविंग देने की अमरीकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। किसी भी हमले पर फौरी जवाब की वार्निंग भी दे दी। क्रेडल मैगजीन का दावा, अमेरिका ईरान पर नई पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार। ईरान आज मुतवक्के। ईरानी सदर का रूसी हमनसब से राबता। प्यूटन का कशीदगी कम करने का मशवरा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। ग्वादर समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। पीडीएमए का अलर्ट जारी। कराची में भी 18 अप्रैल को बादल बरसने की पेशगोई। 3 रोज गुजर गए। पेशावर के कई इलाकों में बारिश का पानी मौजूद। कई घरों को नुकसान। दीवारों में दरारें। दरियाए काबुल में भी पानी की सतह बुलंद। नौशहरा का इलाका अमानगढ़ डूब गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दुबई शहर में पानी ही पानी। एयरपोर्ट पर भी झील का मंजर। दर्जनों परवाजें मनसूख। शॉपिंग मॉल और मेट्रो स्टेशन तालाब बन गए। सैकड़ों गाड़ियां सड़कों पर बंद। ओमान में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 18 अमवात। अफगानिस्तान में हलाकतों की तादाद 35 हो गई। कजाकिस्तान में 1,00,000 से ज्यादा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। T20 सीरीज की तैयारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों का पिंडी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों का ऑफिशियल फोटोशूट। पहला मैच 18 अप्रैल को शेड्यूल।